स्टूडेंट, आज इस वाईफाई कड़ी पॉइंट पर हम लोग केमिस्ट्री में जो 12th बोर्ड मैराथन तैयारी चल रही है, उस 12th बोर्ड मैराथन तैयारी में नेक्स्ट एपिसोड में जो कि उपसहसंयोजी यौगिक चल रहा है हमारा लेसन टॉपिक, और उस उपसहसंयोजी यौगिक दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये जो आपका टॉपिक होता है आपके एग्जाम में एक मार्क में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको मिल सकता है। तो ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक का क्या टारगेट है? ये टॉपिक कहता है समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या ये क्या होती है, तो उपसंयोजन संख्या क्या होती है, दैट इज समन्वय संख्या क्या होती है, या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और इस पर डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर समन्वय संख्या क्या दर्शाती है, क्या दर्शाती है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे ये क्या दर्शाती है। तो आपको ये पता है कि आप प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं लिगेंड आता है, लिगेंड आता है, लिगेंड में होता क्या है, एक समूह या कोई परमाणु या यौगिक होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होगी या इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म देता जब है, जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये NH3 है। अब ये NH3 है तो बताओ NH3 के पास जो दाता परमाणु है, दैट इज डोनर एटम जो होता है, वह नाइट्रोजन होता है कि हाइड्रोजन? नाइट्रोजन होता है। और यही इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, ये मेटल को देता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को जब देता है तो बताओ इसके और इसके बीच क्या होता है, एक उपसहसंयोजी बंध बनता है, एक उपसहसंयोजी बंध बनता है। तो बताओ ये कैसा होता है, एक दंतुक भी होता है। और हमें पता है ये जो लिगेंड होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु साथ होते हैं। तो बताओ ये लिगेंड हमारा एक दंतुक है और एक दाता परमाणु से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसी को एग्जाम्पल के रूप में लिखूं और आपसे ये पूछूं कि यह यम है, ये क्या है, NH3 है, और इसकी संख्या कितनी है, 6 है, और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर जब ये है, मान लीजिए कोई इस पर प्लस माइनस लिखा गया है, ब्रैकेट के अंदर है, तो बताओ NH3 में दाता परमाणु कौन होता है, नाइट्रोजन। तो बताओ एक NH3 में एक दाता परमाणु होता है, तो 6 NH3 है, तो कुल कितने दाता परमाणु होंगे, तो कुल कितने दाता परमाणु होंगे, ऐसे किसने कितने केंद्रीय धातु परमाणु कितने दाता परमाणुओं से जुड़ा होगा, कितने से जुड़ा होगा बताओ, 6 से जुड़ा होगा कि नहीं, ये 6 NH3 से जुड़ा होगा कि नहीं, और ये 6 NH3 में जो N होगा वह क्या करेगा, किससे जुड़ा होगा, आपके मेटल से जुड़ा होगा, दैट इज केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होगा। तो यह अगर मैं कहूं कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट भाषा में लिखते हैं CN, क्या लिखते हैं CN, तो बताओ इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, इसकी समन्वय संख्या होगी क्या होगी, बताओ कितने दाता परमाणु से जुड़ा है, एक एमीन्स में नाइट्रोजन एक दाता परमाणु होता है, 6 अमीन्स, बताओ कितने दाता परमाणु हो गए, कुल कितने हो गए, 6 हो गए, कुल कितने हो गए, 6 हो गए। इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु जितने दाता परमाणुओं से जुड़ा होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी कहते हैं समन्वय संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा जुड़े दाता परमाणु की संख्या को ही क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। और वो दाता परमाणु किसका होता है, लिगेंड का होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के जितने संख्या में दाता परमाणु से जुड़ा होता है वह दाता परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, सीजन दिखाते हैं 6, दैट इज द नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच विद सेंट्रल एटम, द नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच विद सेंट्रल एटम आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच विद सेंट्रल एटम आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, या कह सकते हैं कि दाता परमाणुओं की वह संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या होती है, जुड़ी होती है। तो कुल कितने दाता परमाणु जुड़ी हुई है, एक एमीन में एक होता है, कितने एमीन है, 6, तो बताओ 6 दाता परमाणु का काम करेगा नहीं, तो इसका समन्वय संख्या 6 हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। सिमिलरली हमें जानते हैं एक दंतुक में बहुत सारे आते हैं, उदासीन भी आते हैं, रिडानिक भी आते हैं, दैट इज केटायनिक भी आते हैं, एनायनिक भी आते हैं। जैसे एज्यूम करो हमारा एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं
हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये क्लोराइड क्या होता है, ये मोनोडेंटस होता है कि नहीं, दैट इज एक दंतुक होता है कि नहीं, होता है। अगर मान लीजिए आपको दिया गया एफिसियल सिक्स, इस पर लिखा गया 3-, तो बताओ इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी बताइए, इसकी समन्वय संख्या होगी, क्योंकि ये क्या होता है, एक दंतुक होता है, तो एक दाता परमाणु, खुद अकेला एक दाता परमाणु होता है, ऐसे कितने दाता परमाणु, आयरन जुड़ा हुआ है, 6 दाता परमाणु जुड़ेगा, तो बताओ कुल कितने हो जाएंगे, या 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएगी। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट देखते हैं, आपने पढ़ा होगा सीएन उभय दंतुक लिगेंड होता है कि नहीं, लेकिन एक दंतुक ही होता है, इसमें दो दाता परमाणु जरूर होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक देता है। अगर मान लो एग्जाम्पल में क्या है, Ni है, इसमें दाता कौन है, सी है, तो बताओ ये सीएन, बताओ यहाँ पर मैंने लिख दिया CN4, और यहाँ पर क्या है बताओ, 2- है, तो बताओ यहाँ पे कितने दाता परमाणु होंगे, एक सीएन एक दाता परमाणु का काम करता है, तो बताओ यहाँ कितने दाता परमाणु है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में कितने दाता होंगे, सीएन 4 होंगे, कुल 4 दाता परमाणु होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट इज समन्वय संख्या 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे आप देखें, आपको कुछ और दिखाते हैं, आपने एथिलीन डायमीन का नाम सुना है, आप लोग एथिलीन डायमीन को जानते हैं, कितने दाता परमाणु उसमें होते हैं, एथिलीन डायमीन कितने दाता परमाणु होते हैं, NH2, CH2, NH2, इसमें कितने दाता परमाणु होते हैं बोलिए, 2 दाता परमाणु होते हैं ना, ये भी होता है और ये भी होता है, जिसको सिंपल में क्या दिखाते हैं, EN दिखाते हैं। अब मान लो मैंने एग्जाम्पल आपसे लिया NiEN ट्वाइस में, समन्वय संख्या क्या है, समन्वय संख्या क्या है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप बताएं तो कोऑर्डिनेशन में क्या होगा बताओ, एक EN में 2 दाता परमाणु है, तो ये 2 EN है ना, 2 × 2 = 4, इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, दैट इज कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, समन्वय संख्या। तो बताओ समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, बताओ ऐसे EN से कितने निकल जुड़ा होगा, ऐसे EN से निकल कितना जुड़ा होगा, अगर देखा जाए तो एक तो ये हो गया, यहां निकल आएगा, और ऐसे क्या होंगे, EN और होंगे, बताओ एक तो ये हो गया, एक और मान लीजिए आया EN, ये भी 2 लेकर आया, बताओ कितने से जुड़े हैं, 2 × 4 से जुड़े हैं। और हमने यही बताया, केंद्रीय धात्विक परमाणु जितने दाता परमाणु से जुड़ा होता है, लिगेंड के जितने दाता परमाणु से जुड़ा होता है, उसी संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, या इसको सरल भाषा में कहिए, केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे हुए उपसंयोजी बंधों की संख्या को भी क्या कहते हैं, उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। मतलब इस केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड घेरे हुए हैं, उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या को भी हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। इसका मतलब इसमें 6 जो होगा, इस मेटल को 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड घेरे रहेगा, चारों ओर से घेरे रहेगा, अब इसमें कितना घेरे रहेगा, 4, इसमें कितना, 4, इसमें कितना होगा, 6 होगा, ये कोऑर्डिनेशन संख्या आपको दर्शाई जा रही है। तो इसी को कहते हैं समन्वय संख्या। हम आपसे एक क्वेश्चन देते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें आप बताएं, समन्वय संख्या है, पहला ऑप्शन दिया गया है 4, दूसरा दिया गया है 6, तीसरा दिया गया है 2, और आपको चौथा दिया गया है 3, आपका आंसर ये बताना है, 4, 6, 2, 3। तो सबसे पहले बताएं H2O, जिसको हम इक्वा कहते हैं, इक्वा क्या होता है, आप बताएं इक्वा में दाता परमाणु कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, और कैसा होता है, एक दंतुक होता है कि नहीं बताओ, एक दंतुक होता है, अगर एक दंतुक होता है तो बताओ एक दंतुक कितने हैं इसमें,
कितने हैं? छह हैं। तो बता, एक वाटर में इक्वा में एक ऑक्सीजन दाता का काम करता है और एक उपसर्जनी बंध बनाता है, तो इसमें तो कितने करेंगे? कितने करेंगे? छह। आंसर क्या होगा? छह होगा, क्योंकि एक में एक दंतुक होता है जिसमें कितने? छह। मतलब ये क्रोमियम सिक्स वाटर की जुड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे आपका जुड़ा रहेगा, सिक्स चारों ओर से घिरा रहेगा, ये चारों ओर से घिरा रहेगा। तो ये आप ही जानते हैं, जो घिरा होता है, जो आपका ये घिरा होता है वाटर, मैंने ये भी बताया जो घिरा होता है OH2, ये भी क्या होगा? OH2 होगा, ये भी आपका OH2 होगा, ये भी क्या होगा? OH2 होगा, और ये भी क्या होगा? OH2 का ऐसा कुछ घिर जाता है। तो बताओ, हमने भी आपको बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे हुए उपसर्जनी बंधों की संख्या को भी क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या यही होता है उपसर्जनी संख्या? यही आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आपका मैं एग्जांपल पूछता हूं, ये क्रोमियम है, इसके साथ क्या लगा है? एंथ्राइस। बोलो, एंथ्राइस लगा हुआ है। तो बताओ, इसमें एन कितने दंतुक होता है? दो दंतुक होता है। बताओ, एन में कितने दाता परमाणु होते हैं? दो दाता परमाणु होते हैं, होते कि नहीं? जब दो दाता होते हैं तो एक एन में दो दाता, तो बताओ ये कितने दाता से पकड़ेगा? दो ये पकड़ा, तीन दूनी छह, मतलब इसका उपसर्जन संख्या कितनी होगी? छह होगी। ऐसे बताओ, तीन और होंगे, दो और होंगे, दो दो से पकड़ेंगे, कुल मिला कितना होगा? छह। तो कुल बता कितने ये हो गए, समय संख्या कितनी हुई? छह होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक एक आपसे पूछा जाता है, होमोलिप्टिक संकर तथा हेट्रोलिप्टिक। होमोलिप्टिक संकर तथा हेट्रोलिप्टिक संकर, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलें, इसको बोलते हैं होमोलिप्टिक, इंग्लिश में बोलते हैं होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो, होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? होमोलिप्टिक का मतलब क्या होता है? तो होमोलिप्टिक का ये मतलब होता है, अगर संकर में स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में जो केंद्रीय धातु परमाणु हो, दैट इज मेटल जो हो, एक ही प्रकार के दाता परमाणु से जुड़ा हो, एक ही प्रकार क्या हो? दाता परमाणु जुड़ा हो, मतलब वन टाइम डोनर एटम से अटैच हो। तो आप यहां पर देखें, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहां पर लिखा गया है एफ ए सी एन, इसमें इमेजिन करो FeCN6। अगर FeCN6 में अगर हम देखें, FeCN6 में देखें, तो बताओ FeCN6 जो माइनस दिख रहा है इस समय, प्रेजेंट टाइम में जो दिख रहा है, बताओ इस समय दाता का काम कौन कर रहा है? जो सामने होगा, जो सामने कौन है? कार्बन। तो बताओ यहां पर Fe के साथ दाता का काम कौन कर रहा है? CN, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? साइनो। क्या कहते हैं? साइनो। तो बताओ कितने साइनो है? सिक्स है। तो इस समय बताओ ये Fe किससे जुड़ा है? एक ही प्रकार के दाता परमाणु, छह ऐसे ही CN होंगे, दैट इज साइनो से जुड़ा है। इसको हम किस में जाएंगे? ये इस समय प्रेजेंट टाइम ये स्ट्रक्चर में इस समय किस में है? यह होमोलिप्टिक में। किस में है? होमोलिप्टिक में है। हम दूसरे एग्जांपल तरफ चलते हैं, ये कोबाल्ट है, ये NH3 है, ये 6 है। अब आप देखें +3 बना हुआ है, तो बताओ इसमें अमोनिया में कौन होता है दाता? कौन होता है? नाइट्रोजन। तो बताओ कोबाल्ट को ये देगा, देगा कि नहीं? तो बताओ यह लिप्टिक, मतलब पकड़ना, लिप्ट करना, पकड़ना। तो बताओ इसमें कितनी दाता ने इसको पकड़ा है? अमोनिया में तो दाता एक ही होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? संकर यौगिक में, देखिए संकर में, कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु परमाणु जब केवल एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़ा हो, एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं?
होमोलिप्टिक, बताओ इसमें NH3 सब में अमोनिया अमोनिया जुड़ा होगा, दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जुड़ा होगा, एमीन के नाइट्रोजन जुड़ा होगा, ऐसे कितने हैं, एमीन 6, तो ये भी किस में आएगा, होमोलिप्टिक में आएगा, किस में आएगा, होमोलिप्टिक में आएगा, किस में आएगा, होमोलिप्टिक में आएगा। लेकिन अगर मैं प्रश्न करूं होमो, अगर मैं यही प्रश्न करूं कि यह आपका नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल कहूं ये कोबाल्ट है, ये क्या है, NH3 है, ये 4 है, और यहां पे मैंने लिख दिया Cl2, और Cl2 लिखा यहां पे क्या लिख दिया 1+। अब देखो यहां पर संकर में जो हमारा संकर है धनायनिक है, दैट इज केटानिक है, अगर देखा जाए तो बताओ ये कोबाल्ट एक तरफ किससे, एमीन के नाइट्रोजन से जुड़ा है, और ऐसे कितने एमीन से नाइट्रोजन से जुड़ा है, 4। लेकिन हमें पता है ये Cl2 है, ये भी एक दंतुक लिगेंड होता है, ये Cl2 क्या होता है, एक दंतुक होता है, तो क्या इससे कोबाल्ट नहीं जुड़ा होगा, बताओ ऐसे कितने हैं, बताओ यही कोबाल्ट, यही जो आपका कोबाल्ट है, अगर इसी कोबाल्ट देखें तो ये कोबाल्ट कितने Cl2 जुड़ा है, ऐसे 2 Cl2 जुड़ा है, तो बताओ इस संकुल यौगिक में ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की दाता परमाणु से जुड़ा है, एक दाता परमाणु है एमीन का नाइट्रोजन, और दूसरा क्या है, क्लोराइडो का क्लोरीन, देखो है कि नहीं, और ऐसे संकर यौगिक को, ऐसे संकर यौगिक को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, बताओ हेट्रोलिप्टिक, क्या देते हैं, हेट्रोलिप्टिक कहते हैं, क्या कहते हैं, हेट्रोलिप्टिक कहते हैं, हेट्रोलिप्टिक और होमोलिप्टिक अंग्रेजी हिंदी एक ही होती है, इसे हेट्रोलिप्टिक कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हेट्रोलिप्टिक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपके सामने एग्जांपल है, यह पीटी, पीटी है, और यहां पे क्या है, NH3 है, NH3 है, और यहां पे क्या है, Cl2 है, तो बताओ इसमें भी तो वही होने वाला है, इसमें भी तो वही होने वाला है, बताओ पीटी किससे जुड़ा है, पीटी किससे जुड़ा है, 2 किससे जुड़ा है, बताओ नाइट्रोजन दाता परमाणु जो कि एमीन के हैं, और 2 क्या है, क्लोराइडो के हैं, जो कि क्या है, क्लोरीन है, जो कि क्या है, क्लोरीन है, तो क्या ये बताओ हेट्रोलिप्टिक है कि नहीं, ये भी आपका क्या होता है, हेट्रोलिप्टिक, क्या होता है, हेट्रोलिप्टिक होता है। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दूं, आपका ये नेक्स्ट एग्जांपल है ZAR NH3 4, यहां पे बना हुआ है क्या, डबल प्लस, जरा बताएं ये कैसा है, ये भी कैसा है, ये भी आपका कैसा है, होमोलिप्टिक है, कैसा है, होमोलिप्टिक है, ये आपके हो गए होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक। तो होमो और हेट्रो को हम ऐसे पहचानेंगे, होमो और हेट्रो को हम ऐसे पहचानेंगे। अगर मैं आपको और एग्जांपल कहूं तो एक एग्जांपल आप सामने और लाता हूं, AN twice, यहां पे है Br2, आप सभी को पता है AN क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड होता है, जिसमें दाता परमाणु कौन होता है, नाइट्रोजन होता है कि नहीं, बोलो नाइट्रोजन, इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, एक AN में 2 दाता परमाणु नाइट्रोजन के होते हैं, ये तो हो गया AN में, तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा, और ये ब्रोमीन है, बताओ 2 प्रकार के दाता परमाणु होंगे कि नहीं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है बस इतना समझ लो, अगर 2 भिन्न भिन्न लिगेंड हैं, अगर 2 भिन्न लिगेंड हैं संकर में, तो ये समझ जाओ, ये समझ जाओ उनमें जो लिप्टिक होगा, पकड़ होगी, वो कैसी होगी, हेट्रो होगी, तो ये क्या होगा, हेट्रो होगा। और अगर मान लो कि संकर में केवल एक प्रकार का लिगेंड दिख रहा है तो वह होमो होगा, वो क्या होगा, होमो होगा, और अगर डिफरेंस होंगे तो क्या होगा, हेट्रो।